सो नाज़रीन, अभी आप मुझे देख रहे हैं जहाज़ बांडा में। ये मेरे सामने जहाज़ बांडा का कैंपिंग एरिया है। जहाज़ बांडा पर मैं टकी टॉप से किस तरह से हाइकिंग करके पहुंचा हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जीप आपको ड्रॉप करेगी यहाँ करके, वहाँ से आपने अपनी हिम्मत पर ऊपर आना है। टकी टॉप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो वहाँ से स्टार्ट होगा। फ्रेश लग रहा हो? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन मैं फ्रेश नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 घंटे से हाइकिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी ज़रा फेस वॉश किया है। यहाँ से मज़ीद अभी 1 से 1.5 घंटा ट्रैक बाकी है, लेकिन हाइकिंग कम है तो वो आस्ता आस्ता मुकम्मल हो जाएगा। मैं मज़ीद आगे जाने लगा हूँ और आपको ट्रैक थोड़ा सा दिखाता हूँ। से मैं चल के आया हूँ, ये जो 2 लोग आ रहे हैं और ये ट्रैक इधर को आता हुआ ये टर्न ले रहा ऊपर को जा रहा है। यहाँ पर आकर तकरीबन आधा रास्ता मुकम्मल हो जाता है और इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको घर नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे से घर हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपका आधा रास्ता मुकम्मल हो गया है। थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ यहाँ रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करके फिर आगे चलता हूँ। सो नाज़रीन, रेस्ट हो चुकी है, अब चलते चलते जाते हैं जहाज बांडा की तरफ। आ गए हैं पत्थर और आप यहाँ से गुजरते हुए ऐसा महसूस करेंगे कि आप पत्थरों के जंगल में से गुजर रहे हैं। बस हो चुकी है, ये यहाँ से फिर से चढ़ाई शुरू हो गई। मज़ीद आपको 15 से 20 मिनट आगे चलना पड़ेगा और मुसलसल हाइकिंग है। जो आपको हट बने नज़र आ रहे हैं ये और ये है जहाज़ बांडा, और जहाज़ बांडा ने आखिरकार अपना दीदार करवा ही दिया। मज़ीद 15 से 20 मिनट का रास्ता मसलसल हाइकिंग है, लेकिन कोई मसला नहीं। दस मिनट मज़ीद बस, आ जाएं चलते हैं।
इन दरख्तों के पीछे से ट्रैक करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो। फाइनली चलते चलते मैं पहुंच गया हूं जहाज बांडा। आपको जहाज बांडा का इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। इसकी बेसिकली दो साइड्स हैं, एक दरिया की दूसरी तरफ और एक दरिया के इस तरफ आ जाता है। ये सामने कैंपिंग है और ये एक होटल बना हुआ है। तीन से चार होटल ये बने हुए हैं, एक दो ये बने हुए हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पर, ये भी होटल्स बने हुए हैं। और ये है जहाज बांडा। इस तरह के इधर वाशरूम बने होते हैं, टीन के होते हैं, लोहे के बने होते हैं। तो जनाब चलते चलते मैं आ गया हूँ जहाज बांडा की दूसरी जगह जो है। यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादा आपको कैंप्स ही नज़र आएंगे, होटल बने हुए हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, एक दो है। कुछ दिन पहले की बात है, ये वो जगह है जो इंटरनेट पर सिर्फ सर्च करने की हद तक महदूद थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आखिरकार मैं यहाँ इसके सामने खड़ा हूँ और बहुत ही सुकून हासिल कर रहा हूँ। शाम होने वाली है, यहाँ पर एक दो ग्रुप्स आए हुए हैं, रात को बॉनफायर का भी सीन है, वो भी इंजॉय करेंगे। Thank you.